ये बात तो पक्का है कि आप में से कई सारे लोगों के पास आधार सेंटर होगा और कई सारे लोगों के पास CSC ID भी होगा, लेकिन जिनके पास CSC ID नहीं है या फिर आधार सेंटर नहीं है, वो अगर आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे? तो इस वीडियो के नीचे एक वीडियो का लिंक है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कैसे आप आधार सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आधार सेंटर ओपन करने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको हो सकता है बाद में दिक्कत होगा, क्योंकि अभी जो है एक नया गाइडलाइन निकला है। अगर आप इसे फुलफिल नहीं करेंगे, अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर इसके गाइडलाइन को नहीं मानेंगे, इसके अगेंस्ट में जाएंगे, तो आपका आधार सेंटर जो है बंद हो जाएगा, भले ही आपने ओपन किया हो या फिर नहीं किया हो। तो जिनके पास ऑलरेडी आधार सेंटर है या फिर जो लोग ओपन करना चाहते हैं आधार सेंटर, वो लोगों के लिए बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है, तब जाके आप आगे काम कर सकते हैं आधार सेवा केंद्र के लिए। तो क्या है वो अपडेट, चलिए मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मेरे इस चैनल पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए और बहुत लोग मेरे को पूछे कि यूट्यूब चैनल के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल हम कैसे मोबाइल से बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अपना एक नया चैनल ओपन किया हूँ, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस चैनल पर मैं सिर्फ यूट्यूब अपडेट और यूट्यूब के बारे में बनाता हूँ वीडियोज़। अगर आप आने वाले दिनों में यूट्यूब पर आना चाहते हो, यूट्यूब पर पैसे कमाना चाहते हो, तो मैं इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, और मैंने शुरुआती दौर में कुछ वीडियोस बना रखे हैं जो कि मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा हूं। अगर आपको यहां पर जुड़ना है तो सब्सक्राइब करके आप यहां पर जुड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, जो लोग यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो लोग ही आप यहां पर जुड़े, बाकी लोग आप यहां पर प्लीज मत जुड़िए। तो चलिए बात करते हैं आधार सेंटर का अपडेट क्या है। तो ये बात तो श्योर है, जिनके पास CSC ID है वो लोग आधार सेंटर चाइल्ड वाला ओपन कर रहे हैं, ऑलरेडी वो काम भी कर रहे होंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट का काम कर रहे हैं, सिर्फ आधार अपडेशन का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत ही ज़रूरी है, आपको दिखना ही है, तभी जाके आप आगे काम कर सकते हैं या फिर आपको आधार सेंटर में आपको आगे कमाई का एक मौका बन सकता है। तो यहाँ पर 15 फरवरी में CSC की तरफ से एक पोस्ट निकला है, अटेंशन VLEs, CSC SPV एंड UIDAI आर डूइंग मंथली इंस्पेक्शंस ऑफ UCL सेंटर्स। इसका मतलब यही है, अगर आपके पास आधार सेंटर है तो CSC क्या कर रहा है, CSC की तरफ से अगर आपने आधार सेंटर ओपन कर रहे हैं या फिर ओपन किए हैं, तो अभी इंस्पेक्शन होगा हर महीने, आपका रजिस्टर, आपका सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपको वेरीफाई करना होगा हर महीने और सिग्नेचर करना होगा इंस्पेक्शन ऑफिसर के द्वारा। तो यहाँ पर लिखा है, एनीवन फाउंड वायलेटिंग द UIDAI गाइडलाइंस विल बी डिवॉर्डेड फ्रॉम द सिस्टम इमीडिएटली। अगर आप UIDAI की गाइडलाइन को नहीं मानेंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट में जाएंगे, तो आपका आधार सेंटर आप आगे नहीं चला सकते। तो UIDAI का गाइडलाइन क्या है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले समझिए कि यहाँ पर 150 VLEs को यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया है, इनका सिस्टम को यहाँ पर बंद कर चुके हैं और आधार सेंटर को ये लॉक कर चुके हैं, वो आधार सेंटर में अभी काम नहीं कर रहे हैं 150 VLEs। इसके लिए आपको UIDAI का गाइडलाइन को जानना होगा और मानना होगा, ताकि आप आगे काम कर सकते हैं। अभी बात आता है कि UIDAI का गाइडलाइन क्या है। वैसे तो यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप जनरल तौर पे देखें क्या हो सकता है गाइडलाइन। मैं यहाँ पर दो चीज़ें मार्क किया हो, मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताता हूँ, ताकि आप आगे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बारे में ये गाइडलाइन। सबसे पहला और बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि आजकल जिनके पास आधार सेंटर है वो अपने हिसाब से रेट लगा रहे हैं, चाहे आपका रुपया 50 रुपया खर्च हो रहा हो, लेकिन वो कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं 200 रुपये, 300 रुपये, बहुत बहुत दूर से भी लोग आ रहे हैं वहाँ पर भी आप चार्ज कर रहे हैं, साथ में जितना गवर्नमेंट का रूल है वो लेने के बजाय बहुत लोग बहुत पैसा ले रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिसलीडिंग है, UIDAI गाइडलाइन के अगेंस्ट है। अगर आपके पास इस तरीका का केस है, अगर आप इस तरीके से पैसे लेते हैं, तो अभी से बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी जो है हर महीने इंस्पेक्शन होगा, अगर आपकी रिपोर्ट आता है या फिर कोई कंप्लेन करता है तो आप आगे नहीं बच सकते, और आपको जेल के भी हवा खाना पड़ सकता है, और कोई भी अगर कंप्लेन कर देगा तो आपका आधार सेंटर आगे नहीं चल सकता। इसलिए यहाँ पर पूरा साफ लिखा है, 150 VLEs को इन्होंने ऑलरेडी बैन किया हुआ है, साथ में इमीडिएटली यहाँ पर सिस्टम को बंद कर रहे हैं, इमीडिएटली आपकी ID को ट्रैक करके आपको डीएक्टिव कर दे रहे हैं, चाहे आपने CSC की तरफ से लिए हो या फिर आपने एक्स्ट्रा कोई कंपनी के साथ आपने फ्रेंचाइजी के तौर पर लिए हो, तब भी आपका आधार सेंटर बंद हो सकता है। इसके बाद जो दूसरा गाइडलाइन है जो मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ UIDAI का, वो हो सकता है आपके रजिस्टर के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर,
अगर आप हर महीने इंस्पेक्शन ऑफिसर को अपना डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, आपका रजिस्टर नहीं देंगे, तो आपका आगे चल के आपको जो है दिक्कत होगा और आपकी जो ऑडिट होगा जैसे कि हर महीने होगा वो आपको क्लियरली अप टू डेट रखना होगा, ताकि जो भी इंस्पेक्शन ऑफिसर आएंगे आपकी वहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट का कंप्लेंट नहीं आना चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, ताकि आप आगे चल के आधार सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अच्छा सा पैसा कमा सकते हो। ये मैं अपने हिसाब से दो गाइडलाइन बताई, लेकिन ये डेफिनेटली वही होगा UIDAI के गाइडलाइन के खिलाफ आप जाएंगे, पैसा ज़्यादा लेंगे, आपका डॉक्यूमेंट अगर आप अप टू डेट नहीं रखेंगे या फिर आप कोई और तरह का भी UIDAI का गाइडलाइन को खिलाफ करते हैं या फिर इसके अगेंस्ट जाते हैं तो आपका आधार सेंटर बंद हो सकता है। यहाँ पर पूरा साफ साफ लिखा भी है और ये दो तीन दिन की बात है, ऑलरेडी इन्होंने 150 VLEs को ब्लैकलिस्ट में यानी कि सिस्टम को उनका इमिडिएटली बंद कर दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो लोग आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं जिनके पास CSE ID नहीं भी है, तो मैंने इस वीडियो के नीचे एक वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आप जाके कम्प्लीटली प्रोसेस देख सकते हैं। लेकिन अगर आप CSE VLE हैं, CSE में काम कर रहे हैं, तो 2022 में कौन सा वो 10 सर्विस है जिससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, अगर आपको जानना है तो लेफ्ट वाला वीडियो पर क्लिक करके देखिए और आप जानिए कि कैसे आप CSE में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं।